तो एक तरफ एयरपोर्ट की मार है और दूसरी तरफ सुशासन बाबू के राज में पुल गिरने का सिलसिला थम ही नहीं रहा। पिछले 11 दिनों में पुल धड़ाम हो चुके हैं। अब ऐसे में सवाल यही है कि अगर डबल इंजन की सरकार है तो फिर सिस्टम क्यों लाचार है? सरकार खामोश है जो जनता से पूछ रही है कि क्या बनते हैं ये पुल, यहां ढहकर बिखरने को। ताजा मामला बिहार के मधुबनी जिले का है, जहां एक निर्माणाधीन पुल ढह गया। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में 11 दिनों में यह पांचवी घटना है। लेकिन यह सब हुआ कैसे, यह आप समझिए। 77 मीटर की जो पुल था उसमें दो खंभों के बीच जो गार्डर होता है वह अचानक टूटकर नदी में बह गया। प्रशासन ने अपनी लापरवाही छुपाने के लिए उस टूटे हुए गार्डर को प्लास्टिक से ढक दिया ताकि पुल टूटने की जो खबर है वह किसी को पता न चल सके। बिहार में आखिर ये क्या हो रहा है? करोड़ों के ब्रिज ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखर रहे? बाढ़ या बारिश के बिना ही क्यों गिर रहे हैं? विभाग RWD द्वारा नहर पर 16 मीटर लंबा पुल बनाया जा रहा था। इसे 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा था। 27 जून को किशनगंज जिले में एक पुल गिर गया। बहादुरगंज प्रखंड में स्थित यह पुल 70 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा था। यह पुल 2011 में कनकई नदी को महानंदा से जोड़ने वाली एक छोटी सहायक नदी मड़िया पर बनाया गया था। नेपाल में जल ग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण जल स्तर अचानक बढ़ गया, जिसको ये पुल के खंभे झेल नहीं पाए और पुल भरभरा के गिर गया। अब 28 जून को मधुबनी में भी पुल गिरने की घटना सामने आई। मधुबनी इलाके के भुतही नदी पर इस निर्माणाधीन पुल का बीम गिर गया। करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पुल का निर्माण 4 सालों से हो रहा है। कुल 75 मीटर लंबा निर्माणाधीन पुल का 25 मीटर हिस्सा धराशायी हो गया। बताया जा रहा है कि नदी का जलस्तर बढ़ने से निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा।
इसका निर्माण बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि बिहार में पहली बार पुल टूटा है। सरकार चाहे एनडीए की हो या फिर महागठबंधन की, पुल हमेशा बिहार में टूटता ही रहा है, या यूं कहें कि धाराशाही होता रहा है। विपक्ष हमेशा सवाल खड़ा करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में पुल इसलिए टूटता है कि बिहार सरकार के पास इसके लिए कोई अलग से ना नीति है, ना ही कोई अलग से मेंटेनेंस होता है, और ना ही जिस समय पुल बनाए जाते हैं उसकी गुणवत्ता का कोई ख्याल रखा जाता है। बिहार में पुल गिरने पर सियासत भी तेज हो रही। मैं एक बात जानता हूं कि 25 में जो चुनाव होगा वो भाजपा का नेतृत्व होगा, जदयू भी जानती है। हम लोगों ने 20 का भी चुनाव लड़ा है मजबूती के साथ, 25 में भी लड़ेंगे। बिहार का भला कैसे हो? विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज और सत्ता की चाबी अगर हाथ में है तो दर्जा और पैकेज दोनों में होनी चाहिए। खाली पुल गिरवाने से काम नहीं चलेगा। मैं बता दूं कि ये जो पुल, एक तो पहले पथ निर्माण विभाग से नहीं है, लेकिन हमारे ही सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के ये पुल हैं और उसकी समीक्षा की जा रही है, और वो भी लंबे समय तक पथ निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग भी संभाले हुए थे। तो अपने पीरियड में उनकी मॉनिटरिंग क्या कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है? आज नेता प्रतिपक्ष के नाते सारी जिम्मेवारी सरकार पर डाल रहे हैं। बिहार ही